दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधि भाषा, अवधि संस्कृति, अवधि समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ई एक वृत्त चित्र। अवधि समाज प्राचीन समाज मध्य के एक समाज हो। यही समाज में हिंदू धर्मावलंबी लोगन का इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म भवा रहा, जेका की संपूर्ण विश्व में मर्यादा पुरुष के रूप में चिन्हा और जाना जात है। यही किस्म से यही समाज में बौद्ध धर्मावलंबी लोगन का इष्ट देव शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धो का जन्म भवा रहा। विश्व में भगवान गौतम बुद्ध का शांति के अग्रदूत के रूप में चिन्हा जात है। इतने फरनाई अवधि भाषी क्षेत्र में प्राचीन काल से पूर्व बुद्ध क्रकु छंद और कनक मुनि के जन्म स्थान होए के साथ है कपिल मुनि, श्रृंगी ऋषि, वेद व्यास, ऋषि वाल्मीकि लगायत के ऋषि मुनि के कर्मभूमि और तपोस्थली रहा। यहाँ एक गांव में अलग अलग पेशागत जात के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यही समाज के प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा अन्य समाज के खातिर उदाहरणीय फरनाई है, अनुकरणीय है। अवधि समाज के एक साहित्य सेवी अवधि संस्कृति और भाषा का कौने रूप में देखत है। अवधि समाज माने हमें संसार के एक दर्पण के रूप में लिखे, इतना पुरातन चिरातन चीज के लिए जोने के इतिहास में देखा जा रहा। एक शब्द में याद तो नाम लिख दिया हन, जेकरे पर खोज करे थे नासा विज्ञानी, ये एक लाइन में कहूँ लिखे हन। तो आज जो संसार के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश दे वाला चरित्र के मामले, संस्कार के मामले में तो एकठू ये मानव चिंतन के एक मूल चरित्र के उद्गम बिंदु के रूप में हम देखी थी अपन अवधि भाषा। व्यापार हमें नाज है, गर्व है। यही किस्म से यह समाज के वर्णन वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस लगायत के ग्रंथन में विस्तृत रूप से वर्णित है, जौने के माध्यम से एकरे विशाल स्वरूप के स्पष्ट दर्शन होत है। पुराण माने जैसे अब रामायण देखा जाए तो रामायण अब कलयुग, द्वापर, त्रेता आदि एक युग ज्यादा पुराण हो गए। तो अभी त्रेता रामचंद्र जी के भगवान जब उनके विषय में अवधि भाषा रामायण लिख गए, तुलसीदास जो उन भाषा लिखी आजू कोनो साधारण रह के जो उनको हनुमान चालीसा लिख गए। तो उन्हें पार विज्ञान खोज करके जाना जाए उसे ये दुनिया के तथ्य प्रमाण के रूप में लेते हैं। तो अब ऐसे ज्यादा पुराण कौन चीज माना जाए, यही आधार पर हमें पुराण समझे थे बहुत पुराण। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये समाज विशेष रूप से पिछड़ापन के शिकार हो चुका है। यह क्षेत्र में मुस्लिम शासन काल तक सरकारी कामकाज जो साहित्य के भाषा के रूप में रहा अवधि भाषा आज बोली चाली तक में सीमित है। कौनो समाज के शैक्षिक और सामाजिक विकास में भाषा के महत्वपूर्ण स्थान होए के नाते ये समस्या दिखाए मान भवा हो सकत है। स्वाभाविक है, भाषा अपने जगह पे जेकर भाषा जिसे यह देश के कामकाजी भाषा नेपाली भाषा रहा, और चूंकि यह जवार के आदमी उतना शिक्षित नहीं हो पावत रहे, स्कूल कॉलेज जोन भी रहत रहा तो सदर मुकाम में रहत रहा, और नेपाली भाषी क्षेत्र के लोगन के कामकाजी भाषा सरकारी हो नाते से यहाँ के मनई के प्रभाव नहीं वहाँ पड़ पावत रहा, यो एक कारण यहाँ के विकास नहीं हो पावत रहा। यही क्रम में एक चीज और का देखे के मिलत है कि भैरहवा नेपालगंज जैसन शहर जहाँ की अवधि भाषी के साथ साथ है नेपाली मातृभाषी समाज एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहत है, वहीं अन्य अवधि भाषी क्षेत्र के तुलना में वहीं अवधि भाषी के विकास क्रम उच्च है। इकरे पीछे का कारण हो सकत है? मिक्स सोसाइटी जोन होत है, मिश्रित समुदाय में कोनो भी चीज़ आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के जो नौन संरक्षण भी करत है। हमन के जवार में भी थोड़ा सा प्रभाव कम है, एक भाषा के आदमी है और एक भाषा के आदमी है जेकर पहुंच हो पाते वह भाषा के लोगन के सहयोग पाई गए अपने लिए, अपने खाली अपने लिए वे कह पाए, बाकी समुदाय के लिए करे में यहाँ जब तक राज्य पक्ष जो न तो पूर्ण रूपेण संलग्न नहीं हुई, सहयोग नहीं करी और वातावरण का सृजना नहीं करी, तब तक ये अवस्था ऐसे रही।
नेपाली मातृभाषी होए के बावजूद आप निरंतर रूप में अवधी मातृभाषी बच्चन का पढ़ावा जात है। एक शिक्षक के रूप में आप अवधी मातृभाषी बच्चन का पढ़ावत के उस सब में कौने कौने किस्म के समस्या पावा जात है? कक्षा में सबसे पहले पाठ्यक्रम के हिसाब से हमरे जब पढ़ावा जात है तो पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाए से पहले तो नेपाली भाषा के नेपाली भाषा में पढ़ाओ, तब मातृभाषा में उल्था करो बच्चन के मातृभाषा में। अब ये तो अवध क्षेत्र हुए तो अवध क्षेत्र में अवधी भाषा, यहाँ के बच्चन के पहला भाषा हुए अमाक काखे गोद के भाषा, तो वो भाषा हुए के नाते बच्चन के हमन के व्याकरण सिखाए में, शब्द भंडार के विकास करे में, लिंग परिवर्तन सिखाए में, ये भूतकाल भविष्यतकाल सिखाए में बहुत ज़्यादा कठिन है उनन के। जैसे यहाँ हमरे आमा कहके पढ़ावा जाता है अवधि में, अम्मा कहके बोला था तो लिखाई में भी वही भाषा आवत है, तो इससे उनन के सिखाई में ज़्यादा परेशानी होता है। ये बात सही है कि अवधि भाषी समाज अंतर्गत के मुस्लिम समाज अन्य अवधि भाषी लोगन की तुलना में और पीछे है। यह किस्म से पीछे होए के एक मुख्य कारण उन लोगन के दीनी शिक्षा में नेपाली के जगह अन्य भाषा के प्रयोग हो भोए। हमन के समाज में एक मुस्लिम भाषी है, मुस्लिम लोग भी हैं और हिंदू धर्म के लोग भी मानने वाले हैं। मुस्लिम लोगों के अगर देखा जाए तो शैक्षिक अवस्था और हमन से कमज़ोर है जो उनकी नेपाल सरकार के शैक्षिक अवस्था है, बल्कि वे लोग इस्लाम धर्मावलंबी लोग जितना साथी लोग हैं वो उर्दू के शिक्षा क्षेत्र में बीए एमए पास करे हैं, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए उनके योग्यता औचित्यहीन हो गया है यह देश में। इस समस्या कोनो समाज के विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान होए के नाते हमारे देश में पंचायत काल के बाद से विद्यालय शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाए लाग है, जौने के फलस्वरूप प्रजातांत्रिक प्रणाली से गणतांत्रिक प्रणाली तक आवत आवत अवधि भाषी क्षेत्र के गांव गांव तक विद्यालय शिक्षा के पहुंच हो चुका है। आज के दिन में ये सब के अवस्था कैसन है? अब जाए के अभी न करके अवस्था देखा जाए तो संख्यात्मक रूप से खाली हमारे संपन्न हुआ गया, हमारे गुणस्तर के रूप में नहीं बढ़ पावा गया। हम मन के अभी 10 साल के भीतर के अवस्था जो है तो उन विद्यालय के पहुँच भावपा है संख्यात्मक रूप में, गुणस्तर युक्त में अभी न आवे के लिए उनके लिए तमाम कारण हो पावत है कि पहले तो भाषागत समस्या तो होबे करे अपने जगह जोन है, लेकिन भाषागत एक से लेकर 3 तक ही समस्या हो, बाकी में बाद में बच्चे बूझे लागत है करे लागत है। लेकिन जब गुणस्तर के ख्याल करा जाए तो अभी भी हमन के कितना विद्यालय ऐसा है जहाँ दरबंदी नहीं है, अभी भवन के संरचना नहीं है, शौचालय की संरचना नहीं हुए, तमाम ऐसा चीज़ की कमी है जोने से शिकाय उपलब्धि में प्रत्यक्ष प्रभाव पा रहा था। एक किस्म से गुणात्मक रूप से अवधि समाज के शिक्षा में पहुंच ना बढ़ पावे के पीछे शुरुआती कक्षों में शिक्षा के माध्यम नेपाली हो कितना जिम्मेवार है? लेकिन हमारे यहाँ के शिक्षा के माध्यम नेपाली हो के बावजूद स्थानीय शिक्षक अवधि भाषा का नेपाली भाषा में लिखा विषय वस्तु का बुझावे के खातिर प्रयोग तो करते हैं। बाद विधि में तो बच्चे जाना जाए 1 से लेकर 3 तक 4 तक बुझावे के लिए उन्हें पढ़ावा जाता है। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो हमें हमारे हिसाब से बच्चे हमारे लोग जब पहले पढ़ते रहे तो 4 कक्षा में अंग्रेजी मिलत रहा पढ़े के, और तब वो हमर का जो ज्ञान रहत रहा तो उन्हें आज कक्षा 1 पढ़ावा जाता है, फिर भी वो ज्ञान नहीं मिल पावत, वो अवस्था नहीं हो पावत है। यह नाते जो तो अनुवाद विधि से पढ़ाए के बच्चन के समझावे के लिए तो हो ही जाते हैं, लेकिन उनके जो व्याख्यान हुए चाहिए वो बाहर नहीं आ पावत, वो समझ लेते हैं व्याख्यान नहीं कर पावत। यही किस्म से आवाज समस्या मुख्यतः विद्यार्थियों में नेपाली व अंग्रेजी भाषा के शब्द भंडार वृद्धि ना हो पाए हुए। नेपाली व अंग्रेजी भाषा के शब्द भंडार वृद्धि के खातिर पहले नकल लेखन और इमला लेखन के क्रियाकलाप करावा जात रहा, आज पढ़ावे के क्रम में ये सब अभ्यास करावा जात है कि नहीं? यह सबसे विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधि पर कौने कौने किस्म के असर पड़ा है? एकदम सही कहा गया, इससे जो न तो बच्चा हमन के जो श्रुति लेखन और जो न तो अनुलेखन के जो बात होत रहा ये अपने आप में विषय के भाषा के रूप में और पोख्त होत रहा और उन्हें शाब्दिक शब्द भंडारण क्षमता में वृद्धि होत रहा और कौने किस्म के प्रोनाउंसिएशन करते हैं वह आधार पर बच्चे बूझ जाते हैं। आज के अवस्था का है कि
बच्चन के अनुलेखन और अनुलेखन तो एकाध पन्ना के मान लो जो कोनो शिक्षक के पढ़ावक नहीं मनबे तो लिखे कह दिन, लेकिन श्रुति लेखन तो एकदम रूट आउट हो गए जोने से थोड़ा सा बच्चन के शैक्षिक गतिविधि पे तो असर पड़ता है, नकारात्मक असर है। जैसे यही किस्म से ये नकल लेखन अर्थात अनुलेखन और इमिला लेखन अर्थात श्रुति लेखन से गैर नेपाली मातृभाषी बच्चन का कौने कौने किस्म के फायदा मिलत रहा और आगामी दिन में आपके विचार से एकरे खातिर का करब जरूरी देखा जात है। लेखन अनुलेखन श्रुति लेखन ऐसे होत रहा, अनुलेखन मतलब किताब के अनुच्छेद से लिखा जात रहा, श्रुति लेखन मतलब जैसे हम बोल दिए आप लिखा गए, हम बोल दिए बच्चे लोग लिख लीहन, वो अनुलेखन होत रहा। अनुलेखन से क्या होत रहा कि बच्चन के शुद्धा शुद्धि में शब्द भंडार के विकास में सुनाई में, जब तक सुनाई ना हो, भाषा चार सिप होता है, सुनाई बोलाई लिखाई पढ़ाई, जब तक शुद्ध सुनाई ना हो तब तक बोलाई शुद्ध ना हो तब तक लिखाई ना हो, तो इसीलिए अब सुनाई बोलाई पढ़ाई लिखाई पहले सुनो शुद्ध से तब बोलो तब शुद्ध से पढ़ो तब लिखो, हमन के काहे पहले लिखे के हमरे सिखाया जाता है तो उनन के पढ़े के ना आवत है, आने के देखे इधर उधर देख के लिखा था तो अब वैसे घाटा लगा था। अब जैसे श्रुति लिखन में रहा बच्चन के ए हमार वो हो गए चेक होत रहा कितना गलती हो गए कितना सही हो गए, जैसे 15 हम शब्द बोल दी हैं तो 15 शब्द में बच्चा कई ठू लिखीस तो अब ओकर दोस्त कई ठू लिखीस, ऐसे ऐसे आगे बढ़त रहें, शब्द भंडार के विकास होत रहा, शब्द भंडार से कुल चीज़ बढ़त रहा उनन के दिमाग में एक ठू भंडार विस्तार होत रहा। लेकिन जब से श्रुति लेखन अनुलेखन ये बंद हो गए तब से एक ठू लिखाई वाला सिप भी घटी गए, उनन के जौन लिखाई सिप में जौन विस्तार होक चाहत रहा वो कम हो गए, खाली अब लिखो लिखो नकल लिखो, नकल मतलब पढ़े के नहीं खाली किताब में औला रख के लिखो, जैसे जैसे मात्रा दिए है तो आकार हो कि इकार हो कि उकार हो वो नहीं पहचाना था, वैसे अंदाज से उनरे लिखा था, तब ऐसे ज्यादा घाटा है। एक तो फिर से कराए के चाहिए, हमारे हिसाब से कराए के चाहिए। एक अवधि भाषी विद्यार्थी में नेपाली भाषा के शब्द भंडार वृद्धि न हो पाए, अवधि भाषी क्षेत्र के विद्यालय के गुण स्तर वृद्धि न हो पावे में मूल कारण के रूप में है। शैक्षिक गतिविधि में यह किस्म के समस्या दिखाए मान हुए में कौन कौन कारण हो सकते हैं? ऐसा है वो तो हमरे थोड़ा थार तो करावा जाते हैं लेकिन कुल के संभव नहीं होता है। फिर दूसरा बात का आवत है, हमरे जितना अवधि भाषा जाने के चाहिए जितना सीखे के चाहिए सब सब टीचर में वो विशेषता नहीं है, क्यों मगर भाषा के टीचर है वो का अवधि नहीं आवत है तो नेपाली भर जाना था तो वो कैसे सिखाई, वो भी एक समस्या है। तो हमरे जैसे नेपाली और अवधि भाषा दोनों सिखावा जाता है तब वो बच्चन के शब्द भंडार में समस्या होता है, शब्द भंडार में जब समस्या होता है तो उनन के ऊपर से नीचे तक हमरे दिखा जाता है भाषा कुल अशुद्ध अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध भाषा से उनन के रिजल्ट में तनी समस्या हो जाता है, रिजल्ट जितना जोन हिसाब से सोचा थे हमरे इतना लेखन इतना पढ़ें तो वो हिसाब से जब नतीजा नहीं आवत है तो लड़के लोग निराश हो जाते हैं, पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट उनन के नहीं आवत है। अवधि भाषी क्षेत्र के शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि में सुधार लावे के खातिर आगामी दिन में यहाँ की शिक्षक के क्षमता वृद्धि करे के खातिर का करब जरूरी देखा जात है? हमार विचार से ये समस्या हटा के लिए शिक्षक के पहले तालीम देख पड़ा, लड़कन से ज़्यादा उनन के पारिवारिक और घर ऐसी बात कह के एक कह के लड़कन से एकदम नज़दीक हो के शिक्षक के सिखा के पड़ा, जैसे हमरे बाल मैत्री कह के कहा जाता है, बाल मैत्री शिक्षा अपनाए के उनन के जैसे पहले अपन घर परिवार के बात, पहले अपन घर परिवार के बात, उन प्रयोग करे वाला सामान के नाम, तो ऐसे ये हिसाब से चिनावा जाए, ये हिसाब से मन के परिचय कराया जाए, अवधि और नेपाली दोनों रख के ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक सामग्री प्रयोग करके अगर सिखावा जाए तो ये कुछ तक संभव है, पूरा के पूरा तो हम नहीं कहब लेकिन ऐसे थोड़ा सा प्रगति जरूर हो जाए। ये सब के साथ है कोनो गैर नेपाली मातृभाषी समाज के विद्यार्थी में नेपाली व अंग्रेजी भाषा के संदर्भ सामग्री विशेष रूप से सहयोगी होत हैं। आपके विद्यालय के विद्यार्थी में
यही किस्म के संदर्भ सामग्री के पहुँच के अवस्था कैसन है? जैसे बाल साहित्य के हिसाब से हमरे देखा जाता है तो हम अपन स्कूल के बात करी थन, लाइब्रेरी है हमन, जब हमन के एक पीरियड लाइब्रेरी में बच्चन के भुलाओ जाते है, ओका कौन किताब पढ़े के मना लागत है, स्वतंत्र रूप में ओका पढ़े के देवा जाता है, कब्बो कथा के किताब है, कब्बो कविता के किताब है, कब्बो गीत के हो गए, कथा कहानी ऐसे ऐसे किताब हमन के जब बच्चन के रखा जाते उन खुशी से पढ़ा था, तो वैसे एक ठो हम फायदा का देखें, बच्चन के पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा सा जागत है, हमेशा है पढ़ो पढ़ो है लेखो लेखो ये वाला, जैसे हमन के एक ठो जौन होते है जबरदस्ती लादे वाला वो काम नहीं होते, स्वतंत्र रूप में वो लोग सीख पावत है, ये में थोड़ा सा पढ़ाई में विकास होते है, अक्षर लड़के लोग पहचाना थे, मात्रा लगाए लगा के भी पढ़ा थे, छोट छोट लड़के मात्रा लगाए के सीखा था, ओकर बाद में शब्द बनाए के सीखा था, ओकर बाद में वाक्य बनाए के सीखा था, ऐसे थोड़ा सा सुधार तो है, लेकिन जितना संदर्भ सामग्री चाहिए, जितना साहित्य के सामग्री चाहिए, उतना सामग्री स्कूल में भी नहीं है, कम है। ये सब के साथ है, ये हर एक शैक्षिक क्रियाकलाप का मूल लक्ष्य अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के बोधगम्यता कायम करब होत है। शैक्षिक क्रियाकलाप अंतर्गत विद्यार्थियों में बोधगम्यता बढ़ाए कोने कोने रूप में जरूरी होत है। बोधगम्यता तो सबसे बड़ा बात है, खाली पढ़े से नहीं होता है, किताब पढ़ा जाता है वो में का लिखा है वोकर सार जब तक नहीं आवत है, तो जब तक हमरे सार नहीं बुझा जाते तो लिखाई कुछ नहीं होता है, तो बोधगम्य साथ गम्यता से क्या होता है, अगर हमरे पाठ ना पढ़ा जाए सर के पढ़ावल दिमाग में रखा जाए तो उसे हमरे कुल समस्या हल कर सका जाता है, लेकिन अब बोधगम्यता भी बच्चन में नहीं है, अब पढ़ावा जाता है लिखावा जाता है, खाली पढ़ाई से नहीं होता है, अब जैसे हमरे नेपाली के हम एक ठो नेपाली टीचर हो नाते नेपाली के लिखे कह ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखे कह तब वो उनरे अंक नहीं है कि ये सही हो कि ये सही हो, तो बोधगम्यता जब रही तो वो आगे आए के बोली सर मैडम ये हुए सर ये हुए आप ऐसे पढ़ाओ गए दूसर सर ऐसे पढ़ाइन, वो तुलना भी कर सकत है जब बोधगम्यता रहता है, तो जब बोधगम्यता नहीं रहता है तो वो तुलना नहीं कर पावत है, सही गलत पहचान नहीं कर पावत है, कौन सही हुए कौन गलत हुए वो पहचान नहीं कर पावत है। आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी में बोधगम्यता की क्षमता बढ़ावे की खातिर आप लोग विद्यालय में कोने कोने किस्म के क्रियाकलाप करावा जाता है? बच्चे जो आवत हैं खास करके हमारे अवधि समाज के बच्चे हुए अब 6 घंटा विद्यालय में रहते हैं, बाकी अपने महतारी बाप के संगरी रहते हैं, तो भाषा उन्हन के हमारे मातृभाषा अवधि हुए, काम काज के भाषा नेपाली हुए, वही के नाते नेपाली में लिखल किताब है जो उनका हमारे अपने भाषा में ढेर पढ़ाई थन, अवधि भाषा में ज़्यादा पढ़ाई थन, जैसे मान लो उन्हें काग लिखा है सर, तो हमारे जब कौआ कही थन तो लड़के बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, और हमन के बुझाई अवधि भाषा में एकदम है, और इंटरेस्ट भी बच्चे लेते हैं, एका मतलब घर के भाषा चाहे हो चाहे विद्यालय भाषा हमारे लगभग लगभग उनके भाषा में पहले पढ़ाई थन और बाद में अनुवाद करी थन, और इसे अपने भाषा से विद्यार्थी आकर्षित ज़्यादा होते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, उन्होंने रुचि क्षमता जैसन अनुसार है वही मेरे का शिक्षा हमारे करी थन, और उसके बाद में अवधि भाषा में खास के ज़्यादा अवधि भाषा में कही कह पढ़ाई कर तब नेपाली में सिखावा जाता है। विद्यार्थी में बोधगम्यता बढ़ावे के खातिर उन लोगों के शिक्षा के प्रति का आत्मबल बढ़ाव विशेष रूप से जरूरी है। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति आत्मबली बनावे के खातिर आप लोग कौने कौने किस्म के क्रियाकलाप करावा जाता है? उनके मन बल बढ़ावे के लिए सर उनके पहले हमारे भाषा बूझी थे, पहले उनका मन का है वो पढ़ के खेल के सीखी कि पढ़ के सीखी कि कथा कहानी से सीखी, हमारे हिसाब से सर लगभग जब क्लास में प्रवेश करी थी सबसे पहले कहा था मैडम कुछ कथा सुना देवा जाए, वह हिसाब से जब सुनावा जाता तो एकदम केंद्रित हो जाते हैं अपने किताब से विषय वस्तु से ज़्यादा कथा कहानी में लागत होने रे, और एक बाद में ओका सुनाओ के बाद में तब विद्यार्थी एकदम घुल मिल जैसा अपन बच्चा अपने महतारी लगे रहा है, वो है मेरे का शिक्षा देख कोशिश एकदम है और है भी करा भी जाते विद्यालय में कि विद्यार्थी बिना डराने बिना कुछ कहे ओका संकोच तनको नहीं है, अपने टीचर से तुरंत जा पूछत है ओकरे बाद में फिर ओकरे भाषा में मेरे बतावा जाता है, ये हिसाब से ज़्यादा नज़दीकी हो जाता है विद्यार्थी से मन के। अवधि समाज के पिछड़ापन हटावे की खातिर यही हरेक समस्या का हटाए आज के जरूरत हुए, एकरे खातिर
यहाँ की शिक्षा के गुणस्तर अभिवृद्धि करे में सक्रिय शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति और स्थानीय पालिका का दृढ़ निश्चय करे के जरूरत है। आपके विचार से एकरे खातिर का करब जरूरी देखा जात है? यदि एक व्यक्ति भी अपने शुद्ध बुद्धि विचारधारा से मन में ही बात पैदा कर ले कि हमको ये समाज के लिए ईमानदारी जिम्मेदारी से सीखे तो जाना जाए, देखा जाए आप जो मन में भाव लिया गए, मन में भाव आवत भरे में कहा था कि वोट करो सत घूंघट के पर चंचल नयन छिपत न छिपाए, तो जो आपके हृदय में बात बैठा वो बात आवरण पलिए। तो यदि ठोसता आप अनुत्साह उमंग साहस के साथ अपने अंदर एक दृढ़ता के साथ विचार पैदा करने कर है तो समाज में एक व्याप्त हो जाते और वैसे यदि विचलित न भें तो उनके मन के चिंतन ही जाना जाए यह ब्रह्मांड में काम करते, ये नाते आप आइए बहादुरी के साथ और अपने आत्मविश्वास के साथ अडिगता के साथ आगे बढ़ें, आपका प्रभाव पड़ेगा। पहले तो अपने आप से करना, अपने को आत्मचिंतन अपने ईमानदार समझदार बनावे पड़ी, कुछ संघर्ष करे पड़ी, तब धीरे 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 आपके वह आत्मविश्वास का अटलता का एक असर समाज में पर के का माने के शुरू हो जाए, तो अपने आप का आत्मविश्वास जगावे पड़ी। अब हिन तक आप लोग यह विचित्र से मनोरंजन लिया गए, अब हम आप लोगों के सामने पेश करे चाहे थन ई एक लोकगीत। जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया, अकेलो लांगुरिया रे अकेलो लांगुरिया, अकेलो लांगुरिया रे अकेलो लांगुरिया, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया। जोगनी यूं कहे मोए घड़िया लाए दे मोल, एक जोगनी यूं कहे मोए घड़िया लाए दे मोल, अरे दूजी जोगनी यूं कहे हाँ, अरे दूजी जोगनी यूं कहे मोए तगड़ी लाए दे मोल, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया। जोगिनी यूं कहे मोए साड़ी लाए दे मोल, एक जोगिनी यूं कहे मोए साड़ी लाए दे मोल, अरे दूजी जोगिनी यूं कहे हाँ, अरे दूजी जोगिनी यूं कहे मोए लहंगा लाए दे मोल, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया, दो जोगीनन के बीच अकेलो लांगुरिया। यह लोकगीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रम मणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।